शिक्षक भूखे मर रहे हैं, बिगतराई कॉलोनी की हालत अच्छी नहीं है। आप ऐसा हरकत नहीं करें, हालत अच्छी नहीं है, हरकत नहीं करें। छह साल तक तनख्वाह नहीं मिली है, दूसरों के बच्चों को पढ़ाने वाले अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है, प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। का समर्थन किया है और स्वीकार किया है, सब पोस्टर ले लीजिए, और माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि पिछले विगत कई वर्षों से विश्वविद्यालय की तरफ से रिक्विजिशन नहीं आने के नतीजे में इनको अनुदान की राशि नहीं भेजी गई है। महोदय, बिहार की शैक्षणिक स्थिति बड़ी दयनीय है, सरकार ने वित्त रहित पॉलिसी को खत्म करने की बात कही थी। आप प्रश्न पूछिए। पूछ रहा हूँ सर कि वित्त रहित पॉलिसी खत्म नहीं की गई, स्टूडेंट के पास होने के अनुसार उनको मानदेय देने की बात कही गई है। महोदय, तो आज तक जो अनुदान की राशि नहीं दी गई 6 सालों से, वो शिक्षक कैसे जिंदा रहेगा? बिहार की शैक्षणिक स्थिति कैसे रहेगी? आप इसकी समीक्षा की गई? आप जगह लीजिए माननीय शिक्षा मंत्री। महोदय, उत्तर में स्पष्ट है, आप शांति बनाए रखिए। अनुदान की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए महोदय ऑनलाइन आवेदन दिए जाएंगे, और ये नई परिपाटी शुरू की गई है। महोदय, ये बात सही है कि जो, अरे भाई जनरल को जो, आप बोलिए बोलिए, ये बात सही है महोदय कि जो लंबित अनुदान है आप जगह इनको जगह उसके लिए भी विभाग शीघ्र कार्रवाई करेगी। माननीय सदस्य, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। सर 6 साल से लोगों को अनुदान नहीं मिलेगी, करेगी ये बता के कब तक करेगी सरकार? कब तक करेगी? समय बताया जाए कब तक करेगी सरकार? नियमानुसार कार्रवाई करेगी। समय बताया कब तक करेगी? भूखे मर रहे हैं शिक्षक, भूखे मर रहे हैं शिक्षक, भूखे मर रहे हैं सर, शिक्षक भूखे मर रहे हैं, बिगतराई कॉलोनी की हालत अच्छी नहीं है। आप ऐसा हरकत नहीं करें, हालत अच्छी नहीं है। 6 साल तक तनख्वाह नहीं मिली है, दूसरों के बच्चों को पढ़ाने वाले अपने बीवी बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, और बिहार में मानव संसाधन का भी। आपके प्रश्न का जवाब हुआ, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, ऐसा आचरण अशोभनीय है, प्रजातंत्र के ऊपर आप कलंक कर रहे हैं, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।